जय हिंद। करीना रेडी? हाँ, एक्टिंग के लिए तो मैं पैदा होते रेडी। सुनो सुनो, ये ना पुष्पा जी वाली ओवर एक्टिंग नहीं करनी है, थोड़ा सटल रियलिस्टिक एक्टिंग करनी है मरने की, समझ में है? नो, डोंट वरी, मैं इतना रियल एक्टिंग करता कि जब तक शॉट ओके नहीं होता मैं अपना सांस रोक के रखता। नहीं नहीं प्लीज, इतना इतना भी रियलिस्टिक एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें यकीन होना चाहिए कि तुम मर चुकी हो। ओके ओके, जय हिंद। मैडम। हाँ। रमी आए नहीं अभी तक? अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था, सारी तैयारी हो गई, कब आएगा वो? आएगा। तुम तब तक बलून फुलाना शुरू करो, चलो चलो चलो। करो, तुम सच में जाता मत जाओ ना। तुमको जाना पड़ता फ्रेंड टकली। भाई, अगवाई। क्योंकि मजबूरी होता ना तो मेरे जाने का मन नहीं करता, पर तुम क्यों टेंशन लेता? तुम भी तो मेरे साथ साउथ आता, साउथ हीरो बनने, भूल गया? हाँ, मैं आपके साथ आता, मैं वहाँ साउथ हीरो बनता, रास्कला माइंड दिखता। रास्कला माइंड दिखता? मेरा दुनिया से जाने का टाइम आता। नहीं, मैं रेडी स्टेडी पो पो व्हाट पो, इस पर मैं तुमको एक्शन बोलता, पो मतलब गो प्यार से। अरे ये तो वही है पुलिस वाली, करिश्मा सिंह। अरे चेक तो करिए, ठीक तो है ये। हेलो मैडम, मैडम जी, मैडम इसके तो सांसें बंद है। क्या लगता मर गई? हे भगवान, ये क्या किया आपने? अरे मैंने क्या किया यार, पता नहीं कहां से आ गई गाड़ी के सामने। अब क्या करेंगे? मुझे तो लगता है आप पे पक्का मर्डर का चार्ज लगेगा। अरे चुप कर यार, एक काम कर, पहले इसे उठाने में मेरी मदद करो। जाओ। अरे क्या कर रहे हो? अरे इसको डिक्की के अंदर डाल देंगे, बाद में इस बॉडी को डिस्पोज कर देंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चलो उठा। मैडम सर, आई एम बिलीव द स्पाई, काम हो गया है, करो, इज अ फैबुलस एक्ट्रेस, या ओवर एंड आउट। भूतनी थी जी। कहाँ गए? क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ? क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या नाम है आपका? क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप? कौन है? मैं रमन शर्मा, ये वाइफ है। किसकी वाइफ है? किसकी वाइफ के साथ घूम रहे हैं आप? है? मेरी वाइफ है। अच्छा, खुद की वाइफ के साथ घूम रहे हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, चलिए गाड़ी खोलिए, हम लोग चेकिंग कर रहे हैं, खोलिए। चेकिंग क्यों? हमने क्या किया? अरे सर, रूटीन चेकअप है, ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है, हम लोग गाड़ी चेक करना पड़ेगा। चलिए ना, डिक्की खोलिए ना आप। डिक्की में कुछ नहीं है, खाली एकदम, सच्ची में। अरे मैडम, गाड़ी में जब कुछ है ही नहीं तो डर क्यों रही है? छोड़ दे, ये फैमिली वाले लोग हैं, क्यों इन्हें परेशान कर रहे हैं? कौन सा ही अपने डिक्की में लाश लेके घूम रहे होंगे, है ना? एक्चुअली क्या है ना कि हम ड्यूटी पर थे और बाइक खराब हो गई, आप इसी तरफ जा रहे तो आप थाने छोड़ देंगे हमें? हाँ, क्यों नहीं, कानून की मदद करना तो शरीफ आदमी का फर्ज होता है ना। हाँ। आप बैठिए, जहाँ कहेंगे हम छोड़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल।
भूतनी कहाँ है भूतनी? अरे पीछे पीछे। एक मिनट, क्या बकवास कर रहे हैं भाई साहब आप? इतनी खूबसूरत हूर के परी जैसी लड़की आपको भूतनी लग रही है, बताइए, ये तो ठीक बात नहीं है ना? मैं भूतनी? सीरियसली आपको नहीं कह रहे, ये जो आपके पास में बैठी है ना भूतनी, इसे कह रहे हैं? अरे का भूतनी बैठी है, हमको भी तो दिखाइए। ये क्या आप दोनों के बीच में बैठी है? सर सुनिए सुनिए सर, हम दोनों के बीच में ना खाली चक्कर है, भूत का चक्कर नहीं है, समझे? और एक सेकंड, हमें तो लगा था आप तो फैमिली वाले लोग हैं, लेकिन आप तो भयंकर मेंटल लोग निकले। चीते, इनकी डिक्की चेक करते हो और फिर छोड़ देते। हाँ ठीक है ठीक है, आइए। और एक सेकंड, आप लोगों को हमें नहीं छोड़ा था तो आप ना बोल देते ना, इतना ड्रामा क्यों कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, आप लोग आराम से बैठो, पीछे पीछे कोई भूतनी भूतनी नहीं है। मैं तो इन्हें कह रहा था, वो क्या है ना, आज ये मेकअप करके नहीं आई है ना, तो एकदम भूतनी जैसी लग रही है। संतु जी, हाँ, करिश्मा मैडम तो इसी एरिया पे गश्त पे थी ना? हाँ। अरे तब से फोन कर रहे हैं उनको, तब से फोन कर रहे हैं, उठाई नहीं रही है, कहाँ गई होंगी? ठीक तो है ना वो? बदनाम भाई ये वाली। अबे मर गया था अभी। कौन है ये? थैंक यू सो मच। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज था, चलो हम चलते हैं। सर हम क्या कहते हैं कि आपने हमारा मदद किया है, हमको लिफ्ट दिया है, हमारा फर्ज बनता है आपको चाय पिलाना, नाश्ता कराना। आइए आप ना हमारे साथ। नहीं, 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 फिर कभी, अभी थोड़ा जल्दी। हाँ। अरे भाई आप वही हो ना भाई? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप गलत समझ रहे, मैं तो आपको जानता तक नहीं। अरे मेरे नहीं, उनके। किनके? कमल जी के, कमल शर्मा के भाई हो ना आप। अरे यार इनकी याददाश्त बहुत कमजोर है, हम मिले थे ना करिश्मा मैडम के साथ गाड़ी में, और करिश्मा मैडम ने ऐसे गाड़ी से खिड़की से खींचा था, ऐसे पटक के रख दिया था। अब याद आ गया, याददाश्त रिपेयर गैरेज याद आया। अरे आज इनका बर्थडे है। बाप रे, पुष्पा जी की बात सच हो गई, ये करिश्मा जी। ओके ओके, देखो ड्रामे का आखिरी मैदान, क्लाइमैक्स बिगे। ठीक है, पहले करीना को निकालो डिक्की में से। अरे हाँ, ये मेरी करो डिक्की में है। अब हमें भी बताओ। क्या बताओ, पुलिस की कार्रवाई में तुम्हारा क्या काम है? चलो। अरे तुम कौन से पुलिस हो? करो करो करीना जी, उठिए करो, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, हो गया एक्टिंग खत्म, हो गया। आई नो यू आर फैबुलस एक्टर। ए ए ए, और कुछ छोटा ही है, मेकअप किया है, सच में लगा है? आ गए, देखो आ गए। मैडम सर ये लोग, मैडम सर हम चाय पी के आते हैं। हाँ ठीक है। रमी, रमी, मेरे यार, मेरे भाई, तू आ गया रमी। देख आज तेरा बर्थडे, तेरे बर्थडे की सारी तैयारी मैंने की, ये देख यहाँ पे जो बलून से ना मैंने लगाया अपने हाथों से, तू किसी को भी पूछ ले। देख आज तेरे बर्थडे के दिन ना मैं तेरा फेवरेट केक लेकर आया, पाइनएप्पल। तू आ गया रमी, तू आ गया। कमी छोड़ो मुझे, मुझे कहीं जाना है, जल्दी में हूँ मैं। हाँ, हाँ, चलो देर। अरे एक मिनट, ऐसे कैसे आप जा रहे हैं? कमल ने इतनी सारी तैयारियां की हैं, सुबह से आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं, कम से कम बर्थडे का केक तो काट कर जाइए। मैडम देखिए मैं जरा जल्दी में हूँ, मुझे कहीं जाना है, बहुत लेट हो रहा है। हाँ, चलो। हाँ, हाँ, चलो चलो, लेट हो रहा है। तूने मुझे जान से मारा, तुझे लगा हम तुझे छोड़ देंगे, नहीं छोड़ूंगी, जान से मार दूंगी, तुम्हें मार के ही मुझे मुक्ति मिलेगी। भूत, कोई मुझे बचाओ, नहीं तो ये मुझे मार देगी। क्या भूत, कहाँ दिखाई दे रहा है आपका भूत? अरे मैडम ये आपके सामने करिश्मा सिंह का भूत। अरे
करिश्मा सिंह, ये क्या मजाक कर रहे हैं आप लोग? नहीं मैडम, भूत है मैडम, ये मुझे दिख रहा है। अच्छा तुम भी मजाक कर रहे हो हमारे साथ? अरे कोई भूत नहीं है, हमें कोई नजर नहीं आ रहा है, कोई नहीं है यहाँ। अरे खड़ी तो है करिश्मा जी का भूत। एक सेकेंड, आप कहाँ जा रही है? ये आपके पति हैं, आपने इनके साथ साथ में जीने मरने की, सुख दुख में साथ देने की पूरी कसमें खाई है ना, तो फिर थोड़ा मरी इनके साथ, ऐसे कैसे छोड़कर भाग रही है? मैडम मैडम मुझे बचा लीजिए, वरना वो मुझे मार डालेगी मैडम। नहीं मैडम, भूत है। अरे क्या कह रहे हैं आप, कोई भूत नहीं है, कोई नजर नहीं आ रहा है हमें यहाँ पर। मेरे भाई को भी दिख रहा है मैडम, भूत है वहाँ पर। मुझे बचाओ। ए, 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 रमी तू घबरा मत, मैं तेरे साथ में हूँ ना, हाँ तो फिकर क्यों कर रहा है? देखता हूँ मैं, मेरे होते हुए तेरा कौन क्या बिगाड़ लेता। क्या कर रही है? छोड़ दीजिए मेरे भाई को। अरे मेरा भाई मर जाएगा तो मैं इसके बिना नहीं जी पाऊंगा। अरे छोड़ दीजिए, अगर आपको मार रही है तो मुझे मार दीजिए, लेकिन इसे छोड़ दीजिए प्लीज। मेरे होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये मर गया तो मैं मर जाऊंगा। अरे छोड़ दीजिए। करिश्मा सिंह। ये सब क्या क्या था ये? अम्मा आप क्या अमी जे तुम्हा छुदू जे तुम्हा करे क्या तब समझोगे? या तो हम बहुत अच्छे एक्टर है या फिर आप बहुत बड़े चूरे ना जो अभी तक समझ नहीं पाए कि ये क्या चल रहा था। जी ये सब एक नाटक था, हम सच के भूत भूत थोड़ी ना है। लेखक डायरेक्टर जो है वो मैडम सर है, हमने ड्यूटी के लिए ये नाटक किया था। जी हाँ, ये सारा ड्रामा हम ही ने किया है, हम ही ने इनको कहा था कि भूत बनकर आपको डराए। नाटक? लेकिन क्यों? ताकि हम आपको इस बात का एहसास दिलवा सकें कि भूलने की बीमारी आपके भाई को नहीं आपको है। क्या एग्जाम्पल देखिए आप ही के सामने है। आप तो बहुत आसानी से ये बात भूल गए ना कि आप बड़े भाई हैं, लेकिन आपका भाई नहीं भूला। जब इसने देखा कि आपकी जान खतरे में है तो खुद के बारे में ना सोचते हुए कूद पड़ा आपको बचाने के लिए। छोटे भाई को बचा कर रखना, संभाल कर रखना, उसका ख्याल रखना, ये एक बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है। लेकिन आपने क्या किया, थोड़ी सी जिम्मेदारी क्या बढ़ गई? आपने अपना पल्ला झाड़ लिया, छोड़ दिया इसे सड़क पर अपने हाल पर बेहाल। ऐसे होते हैं बड़े भाई, आपको जरा सा भी दुख नहीं हो ऐसे करते हुए? शर्म आनी चाहिए आपको। बड़ा भाई ना पिता का हमसाया होता है, जिससे हम खुलकर कोई भी परेशानी, कोई भी कठिनाइयां हो, खुलकर उससे बात कर सकते हैं, अपना दिल हल्का कर सकते हैं। कुछ भी हो जाए दुनिया में, इतना विश्वास रखते हैं उस इंसान पे कि मेरा भाई मुझे कुछ नहीं होने देगा। वो सिर्फ एक भाई नहीं होता है, वो आपका एक दोस्त होता है जिस पे आप विश्वास करते हैं। और एक बात, जो दोस्त होता है ना वो एक आपका मार्गदर्शक भी होता है और आपकी किसी भी कठिनाइयों का संकट मोचन होता है। इतना बड़ा और इतना गहरा रिश्ता आपने ऐसे सड़क पर छोड़ा हुआ था दुनिया के कदमों पे। रमी, मुझे बस कीजिए मैडम, अब और आगे कुछ मत बोलिए। वैसे भी खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा हूं मैं, और आपकी बातें अंदर तक चीर नहीं, ऐसे कैसे कर सकता हूं मैं, वो भी अपने सगे भाई से। अगर ये सब मेरे साथ हुआ होता तो क्या कमी ऐसे ही करता था? नहीं, ये मेरा साथ देता, मेरे साथ खड़ा रहता, मेरा इलाज करा था। और मैंने क्या किया, बड़ा भाई होते हुए भी अपने छोटे भाई का सहारा नहीं बन सका। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बह गया था। लेकिन अब तो मेरे साथ रहेगा अपने घर। अपने घर? हाँ। अरे और मेरा क्या, ये साथ रहेगा तो मैं कहाँ जाऊंगी? भाड़ में जाओ तुम। हैं? जो पत्नी अपने पति के बुरे वक्त में उसके साथ ना रहे, उसका होना ना होना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं मेरे भाई को नहीं छोड़ूंगा। कमी हा? चल केक काटते। अरे नहीं, 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 नहीं,
उनको चोट लगी है उसकी वजह से शायद ये बेहोश हो गई है। करीना जी उठिए ना, देखिए ना हम लोग आपके लिए डाइट वाला केक मंगाए हैं भाई। उठिए ना करीना जी, प्लीज उठिए। करो तुम बिन मैं क्या करूँ, उठो करो। खामोश खामोश खामोश, ऐसे कब तक खड़े रहोगे? उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, एक्शन। कट, ऐसे नहीं उठेंगी। तुम जो अपनी जहर लेके आओ ऊपर की उठेंगी। चल ले चल, मुंह से बदबू आती है तुम्हारे। करो इस सुनाई लाओ, सुनिए। नहीं उठ रही। चाय में क्या डाल दिया? उठिए ना प्लीज, आंखें खोलिए करीना जी। रमी तेरा फेवरेट केक है, काट काट पाइनएप्पल काट। सुनिए जी, मुझे भी माफ कर दीजिए, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। चल चल काट काट, फूंक मार। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे रोमी। मैडम जी थैंक यू मेरी आंखें खोलने के लिए और मुझे मेरे फर्ज की याद दिलाने के लिए। एक चीज याद रखिएगा, कुछ रिश्ते जो है ऊपर वाला बनाकर भेजता है, और दुनिया की कोई भी ताकत, आप और हम भी उन रिश्तों में दरार नहीं ला सकते, इसलिए लानी भी नहीं चाहिए। जैसे कि भाई भाई का रिश्ता, बहन बहन का रिश्ता। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि जिंदगी भर आप कमल के साथ रहेंगे, और जब तक ये ठीक नहीं होता आप इसे संभाल के रखेंगे। जी मैडम जी, बिल्कुल ऐसे ही होगा। मैडम जी मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अगर करिश्मा मैडम भूत बनने का नाटक कर रही थी तो वो गाड़ी के डिक्की में से बाहर कैसे पहुंच गई? वो हमारा पर्सनल स्पेशल इफेक्ट है, हम हर किसी को नहीं बता सकते। मैडम जी आपका फिर से धन्यवाद, आपने मेरे छोड़े हुए भाई से मुझे फिर से मिलाया। आपकी पूरी टीम को ये तो बनता है। और मैडम आपकी पूरी टीम के लिए मेरी तरफ से ये गिफ्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम भी चलते हैं मैडम। थैंक यू। कहाँ जाना? अपने घर। अपने घर? चलो हम भी थोड़ा भूत से नॉर्मल होकर आते हैं। हाँ प्लीज। क्या हुआ? वो करीना जी को होश नहीं आ रहा है, बेहोश पड़ी हुई है बाहर। क्या? हाँ क्या हुआ, बात हुई डॉक्टर से? ट्राई कर रहे हैं मैडम सर, ट्राई कर रहे हैं। मैडम सर हाँ इनकी हार्ट बीट स्लो हो गई है। क्या? हाँ ठीक है, काम करते हैं, इनके हाथ पैर रब करना शुरू कीजिए। हाँ कर करो। एक मिनट, ये क्या हुआ इस नौटंकी को? करिश्मा मैडम देखिए मेरे करु को क्या हो गया है। मेरी करु रे? हाँ करु को क्या हो गया, देख बेहोश पड़ी है। तब से करूं बेहोश पड़ी है। हे करो उठो। तुमको ये रिश्ता अच्छा नहीं लगता तो मैं आज से तुमको करिया मन्ना ही बुलाएंगा। मेरे को भी ऐसा बहन नहीं चाहिए जिसको अपने बहन के इमोशंस का वैल्यू नहीं होता। नहीं चाहिए मुझे भी, मैं नहीं बुलाएगा तुमको करिया मम्मा। मैं जाता हूँ यहाँ से। हाँ अच्छा जाओ जाओ, और हमेशा के लिए जाओ। वापस अपनी शक्ल मत दिखाना यहाँ पे, समझी? जरूरत नहीं है हमको तुम्हारा। जैसे ये केस सॉल्व होता फिर मैं चलता वापस बैक टू चेन्नई, और फिर कभी नहीं आता, और
फिर तुमको तो अपना शक्ल कभी नहीं दिखाता, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। करू करू हमें चेन्नई जाना है ना, मुझे वहां का सुपरस्टार बनना है। या माइंड इट अ रस्कल। करू करू तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकती। करिश्मा मैडम आप ही कुछ कीजिए। ये क्या लगा रखा है? बचपन से देखते आ रहे हैं हम इनको, ड्रामा करने का मौका चाहिए बस। इनका नौटंकीबाजी खत्म ही नहीं होता है, बस एक एक मौका मिल जाए हमेशा और ये नौटंकी करे और बस सब देखते रहे इनको। मतलब बिना सॉरी बोले तुम चली जाओगी, हम तुमको जाने देंगे? बड़ी बहन है हम तुम्हारी, समझी? सॉरी तुमको ही बोलना पड़ेगा, हम तुमको सॉरी नहीं बोलेंगे। नहीं जा सकती तुम यहाँ से और कोई भी नहीं जाने देगा तुमको यहाँ से जब तक तुम हमको सॉरी नहीं बोलोगी। समझ रही हो हमारी बात को? तुमको क्या लगा कि तुम इतना आसानी से छूट जाओगी यहाँ से? अगर तुम चली भी गई ना करीना, तो गिच्ची पकड़ के लाएंगे तुम्हारा और तुमसे सॉरी बुलवाएंगे, समझे तुम? और तब भी अगर सॉरी नहीं बोलोगी ना, तुमको मार लगाएंगे। और ऐसा मार लगाएंगे ना हम तुमको कि जब भी मुंह खोलोगे एक ही बात बोलोगी, दरोगा जी देखे तो बहुत, मगर ना तुमको उठना पड़ेगा। समझ लो तुम हमारी बात को? उठो उठो, वरना मार लगाएंगे और वो मार लगाएंगे कि तुम्हारे मुंह से कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत, मगर